हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। इसके बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि इस फील्ड में कितनी सैलरी है, डिलीवरी में कितनी सैलरी है, अगर हम होटल में काम करते हैं तो क्या सैलरी मिलेगी, अगर हम किसी टेक्निकल सेक्टर में काम करते हैं तो उसमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें एवरेज जो बेसिक सैलरी है वो कितनी मिलती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी बात से। सो दोस्तों, मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो माल्टा में वर्क परमिट पे लोग आते हैं तो वो होते हैं एज ए नॉन स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। नॉन स्किल्ड में आते हैं जैसे डिलीवरी ड्राइवर हो गए, अगर आप किसी एज ए हेल्पर आ रहे हैं, अगर आप एज ए क्लीनर आ रहे हैं, तो ये सब नॉन स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं। और इनकी सैलरी जो, अगर मैं होटल लाइन से चलिए शुरू करते हैं कि होटल लाइन में जो मैक्सिमम वीजास लगते हैं वो लगते हैं क्लीनर, एज ए क्लीनर, एज ए वेटर, शेफ, थोड़ा स्किल्ड जॉब्स होती हैं तो उसकी सैलरी अलग होती है। तो मैं बात करूंगा, अगर आप होटल लाइन में अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो होटल लाइन में देखिए, अगर आप एज ए क्लीनर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है जो स्टार्ट होती है वो 5 यूरो 50 सेंट्स पर आवर होती है, जो मिनिमम सैलरी होती है। इतनी सैलरी आपको पर आवर मिलेगी। ये अलग बात है कि कई होटल 5 यूरो भी देते हैं, बट मैक्सिमम जो एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 5 यूरो 50 सेंट्स पर आवर होती है। तो इसमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनता है, वो 40 आवर्स पर वीक का बनता है। तो अगर आप एवरेज निकालते हो कि अगर आप 5.5 यूरो पर आवर के हिसाब से अगर आप काम करते हो एक दिन में 8 घंटे, तो अगर आप एवरेज निकाले तो टैक्स काटने के बाद अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये 40 यूरो 42 यूरो लमसम आपकी सैलरी बनती है एक दिन की। इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम है, ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो जो ओवर टाइम मिलेगा वो आपको 1.5 गुना मिलता है। तो 5.5 यूरो तो आपकी सैलरी हो गई। उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाओगे तो उसका 1.5 गुना सैलरी का वो आपको मिलेगा एज ए ओवर टाइम। तो ये है होटल लाइन की सैलरी पर आवर के हिसाब से। मंथ में आप खुद कैलकुलेट कर लेना, वो डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं। एवरेज जो सैलरी की बात करें तो वो 173 आवर्स होते हैं पर मंथ बेसिक। अगर आप 173 आवर्स काम करेंगे बेसिक, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 यूरो 50 सेंट से और प्लस ओवर टाइम। जितना आप ओवर टाइम लगाओगे वो 1.5 गुना होगा। और तो उस हिसाब से अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो ये, अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं कर रहे हैं तो डिपेंड आपका, आप पे करेगा और आपके होटल पे करेगा या रेस्टोरेंट पे करेगा कि आप किस होटल में हैं, वहां पे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितना काम है, तो उसके हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो ये है होटल लाइन की सैलरी। अगर हम बात करें क्लीनर की, वेटर की, वेटर को कई होटल में 6 यूरो भी देते हैं, 6.5 यूरो भी देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। पर अगर हम एवरेज बात करें तो 5 यूरो 50 सेंट से आपकी सैलरी शुरू होती है, जो कि 6 यूरो, 6.5 यूरो, इवन की 7 यूरो भी मिलती है। इवन जो शेफ्स हो गए, जो एक्सपीरियंस हो गए, उनको 7 यूरो से सैलरी उनकी शुरू हो जाती है। 7.5 यूरो, 8 यूरो, 9 यूरो, वो डिपेंड करेगा कि आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो ये है बेसिक सैलरी। अगर हम बात करें होटल में, 5 यूरो 50 सेंट से शुरू होके 6 यूरो, 7 यूरो वो आगे बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे। तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जो और जो हमारे भाई और बहनें आती हैं यहाँ माल्टा में। बहनें तो चलिए डिलीवरी में नहीं आती हैं, भाई जरूर आते हैं। तो डिलीवरी में जो बात करें, जो सैलरी होती है, देखिए डिलीवरी लाइन में जो फूड डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। वो सैलरी कैसे रहती है, वो आप जितना काम करेंगे उतनी आपको सैलरी मिलेगी। हालांकि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जरूर लिखा होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 800 यूरो, 900 यूरो है, बट जो आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो आपके काम के हिसाब से मिलेगी, आप कितना काम करेंगे उतनी सैलरी है। तो अगर हम एवरेज की बात करें, जो करंट हम 2023 की बात कर रहे हैं, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 मई को, तो अगर हम आज की बात करें तो पहले के मुकाबले डिलीवरी में जो काम है वो बहुत कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हालांकि अब टूरिस्ट आ रहे हैं, सीजन शुरू हो रहा है, पहले से थोड़ा काम अच्छा शुरू होना शुरू हुआ है, बट अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 साल पहले, 2 साल पहले
कितने पैसे बनते थे तो उतने नहीं बनते हैं। हाँ, अगर हम एवरेज बात करें, एवरेज की बात करें, तो अगर आप महीने में 25 से लेके 30 दिन काम करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप नंबर ऑफ आवर्स कितना काम करते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी इनकम बनेगी। जो एवरेज सैलरी अगर मैं बात करूं तो वो 1,000 यूरो से 1,500 यूरो बनती है अभी भी, बट वो वही बात आ जाती है कि आप कितने घंटे काम दोगे। अगर आप 8 घंटे काम करोगे और हफ्ते महीने में 20 दिन काम करोगे, हफ्ते में 5 दिन काम करोगे, तो कुछ नहीं बनेगा डिलीवरी में। हाँ, अगर आप 30 के 30 दिन काम करते हो, 10 घंटे देते हो, तो जरूर आप 1,000 से 1,500 की रेंज में आप आ जाओगे। तो ये है डिलीवरी का इस समय करंट सिनेरियो। इसके अलावा अगर मैं टैक्सी की बात करूं, टैक्सी में जरूर इनकम अच्छी है क्योंकि अब टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है, टूरिस्ट काफी आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, टैक्सी में ये है कि कोई भी आपको अपनी एक्चुअल सैलरी नहीं बताता। मैंने काफी लोगों से बात करने की कोशिश की कि आप कितना कमा लेते हो, ठीक ठाक कमा लेते हैं। देखिए, कोई भी अपनी जो एक्चुअल सैलरी है वो रिवील करके राजी नहीं है। चलिए, वो उनका पर्सनल मैटर है, कोई रिवील नहीं करना चाहता है ना, और हमें पूछना भी नहीं चाहिए, और हमारा कोई हक भी नहीं बनता कि हम हर बंदे से पूछे कि हाँ भाई आप कितना कमा लेते हो। तो बट जो एवरेज की अगर मैं बात करूं, टैक्सी में अगर वो 12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, मिनिमम 12 घंटे काम करते हैं टैक्सी ड्राइवर, वो भी 30 के 30 दिन, तो उनकी जो सैलरी है वो अगर हम बात करें तो +1,800 निकलती है अगर वो 12 घंटे काम करें। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। लोग ज्यादा भी कमाते हैं, बहुत ज्यादा भी कमाते हैं, और लोग जो काम कम करते हैं ऑब्वियसली वो कम भी कमाते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एवरेज। और इसके अलावा तीसरी जॉब आती है कंस्ट्रक्शन लाइन की। अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करूं तो इसमें देखिए बहुत सारी फील्ड हैं, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी फील्ड है। सबसे पहले एज ए अगर आप हेल्पर आते हैं तो कंस्ट्रक्शन में 5.5 यूरो मिनिमम, 6 यूरो, वैसे तो 6 यूरो आजकल कंपनीज दे रही है कि 6 यूरो से आपकी जो सैलरी है वो शुरू होती है। 6 दिन काम करवा लेते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज, हफ्ते में 6 दिन काम करवा लेते हैं। कई कंपनीज अच्छी हैं जिनके पास काम काफी हैं, तो वो पर डे आपका 10 घंटे भी आपको दे देते हैं कि आप काम कर सकते हो, वो आप पे है कि आप कितना काम करते हो। तो 6 यूरो पर आवर है कंस्ट्रक्शन में हेल्पर की सैलरी मिनिमम, 5.5 से 6 यूरो। वो डिपेंड करेगा कि आप मंथ में आप कितने दिन लगाओगे। 173 आवर्स का होता है पर मंथ जो आपने काम करना होता है, नंबर्स ऑफ आवर्स 173। और उसको आप कैलकुलेट कर लो कि 173 के ऊपर आप जितना भी ओवर टाइम करते हो, काम करते हो, वो सारा ओवर टाइम होता है और वो 1.5 गुना होता है। कई कंपनीज होती है कि 1.25 देती है, बट मैक्सिमम जो कंपनीज है वो 1.5 गुना देती है। आपकी जो सैलरी अगर 6 यूरो है तो आपको 9 यूरो पर आवर वो मिलेगा, 1.5 गुना वो हो गया। तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कि एवरेज सैलरी कितनी निकलती है कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो ये एक वीडियो थी कि मैंने सोचा कि आपको मैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं कि जो स्टार्टिंग सैलरीज है, वैसे हेल्पर आ गए, क्लीनर आ गए, तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती है। बाकी अगर हम देखिए बात करें टेक्निकल फील्ड की, तो टेक्निकल फील्ड की अलग अलग सैलरीज हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। टेक्नीशियंस हो गए, उनकी सैलरी 7 यूरो से शुरू होती है, किसी की 6.80 यूरो से होती है। तो उनकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, और आप किस फील्ड में आ रहे हो। अगर आप मैनेजर लेवल से आ रहे हो और यहाँ पे अगर आप एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, चाहे आप होटल में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको जो सैलरी है वो अच्छी मिलेगी, 8 यूरो मिलेगी, 8.5 यूरो मिलेगी। बट अगर आप एज ए हेल्पर आ रहे हो, वेटर आ रहे हो, तो आपको यहाँ से 0 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो एवरेज जो बेसिक सैलरीज होती है वो इतनी ही होती हैं, 5.5 यूरो 6 यूरो से शुरू हो जाती हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपको आज की ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।